स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, मुझे ये सब जानना था। क्या सच में मेडिटेशन लोगों की लाइफ चेंज करती है? इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए मैंने फॉलो किया 3 days मॉर्निंग मेडिटेशन रिचुअल। आई होप यू विल एंजॉय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो अभी एग्जैक्टली टाइम हुआ है 4:18, नहा लिया हुआ है। टास्क 1 था जल्दी उठना, टास्क 2 था नहाना, तो अब बारी है टास्क नंबर 3 की, वो है मेडिटेशन। तो दिस इज द सीट जहाँ पर मैं मेडिटेट करूंगा, और इसको मैंने यहाँ से निकाला हुआ है, और मैंने पंखे को भी बिल्कुल स्लो स्पीड पे कर दिया हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट रहे। तो अगर आप इस डे 1 की मेडिटेशन का पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप जाकर देख सकते हो। अब हॉस्टल का गेट एग्जैक्टली 5:15 पे खुलता है, इसीलिए रूम से निकलने के बाद और मेंढक से मिलने के बाद मैं कनेक्टिंग एरिया में गया ताकि आपसे कुछ बातें कर सकूँ। तो मैं मेडिटेशन कुछ हफ्तों से प्रैक्टिस कर रहा था। टू बी ऑनेस्ट, दैट फीलिंग ना मैं कैमरे पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तब तक तुम्हें फील नहीं होगा। एक मोमेंट के लिए मैं सोच रहा था कि मेरा कैमरा ऑन है, मेरे को यूट्यूब पे पोस्ट करना है, लेकिन कुछ मोमेंट्स के लिए मैं बिल्कुल खो गया था, जहाँ पर ऐसे मुझे लगता था कि मैं पता नहीं कहाँ पर हूँ, किसी दुनिया में भी हूँ कि नहीं। मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से खींच रहा है। ये शायद से तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आएंगी जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। दैट वॉज अ वेरी गुड फीलिंग। सो नाउ फॉर द नेक्स्ट 5 minutes और 10 minutes आई एम गोना सिट हियर विदाउट एनी फोन, और मैं सिर्फ नेचर को एडमायर करूँगा। तो यहाँ अकेले 10 मिनट टाइम स्पेंड करने के बाद मैं डायरेक्टली रूम में चला गया ताकि टास्क नंबर 3 को कंप्लीट कर सकूं। तो ये 3 काम है जो आज के दिन पर मुझे करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ 2 मिनट रहे हैं 6 बजने को, एंड आई एम ऑलरेडी डन विद द टास्क नंबर 1। यार मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना, और प्रॉब्लम ये कि संडे के दिन ना मेस की टाइमिंग 7:45 पे होती है। अब मेरे को वेट करना पड़ेगा तब तक। आई गेस सबसे पहला इंसान मैं ही होऊंगा आज मेस में। और हैरानी की बात ये कि मेस में इतने जल्दी आ गए कि खाने के लिए अभी कुछ बना ही नहीं था। तो रात में बाहर से खाना पैक करवाने के बाद एज यूजुअल मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया कि कुछ एक नया हेयर कट ट्राई करवाते हैं। तो वो जो बालों का था तो वो करवा के अभी अभी आया हूँ मैं। कुछ ऐसे लग रहे हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि बाल अभी 2 दिन ऐसे ही रहेंगे, फिर उसके बाद ठीक हो गए। तो लेट्स सी, इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट कि बालों को स्मूथ करने के लिए। नाउ अभी बड़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, एंड आई एम गोना एंजॉय माई फूड। टुडेज फूड आइटम परांठा, स्प्रिंग रोल, दही, बियर। जस्ट टॉकिंग अबाउट माई हेयर कट, तो मैंने कुछ नई चीज़ ट्राई की हुई है। मैं कम्फर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आना चाहता था। अच्छी बात होती है जब तुम अपने कम्फर्ट जोन के बाहर आते हो। मैं उसी हेयर स्टाइल को रहते रहते बहुत देर से रह रहा था। तो इसी के साथ हमारी डे 1 की हुई समाप्ति और डे 2 की हुई एक नई शुरुआत। जैसे कि आप देख सकते हो टाइम है 4:05 और पहला काम है नहाना। तो अभी टाइम हुआ है 4:23 और टास्क 1 कम्प्लीट हो चुका है। अब बारी है टास्क नंबर 2 की, और वो है मेडिटेट करना। तो बेसिकली जहाँ तक मुझे मेडिटेशन के बारे में पता है, तो मेडिटेट करते वक्त हमें किसी ना किसी एक मंत्र को बार बार रिसाइट करना होता है। तो कल जैसे मैंने महामृत्युंजय मंत्र को जाप किया था, तो आज मैं गायत्री मंत्र के साथ करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे डे 2 के मेडिटेशन वाले फुल वीडियो को देखने के लिए, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, ये मेरी आंखें इतनी ज़्यादा भारी हो जाती है ना कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना नशा किया हुआ है। शायद से ये सच बोलते हैं कि मेडिटेशन का नशा सबसे बड़ा नशा होता है। इन 3 दिनों के एक्सपीरियंस में अगर मैंने सबसे ज़्यादा अकेले टाइम कहीं स्पेंड किया ना, तो वो है ये जगह। ये मोमेंट ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं पता नहीं कितने सालों से ना जल्दी उठने की हैबिट बनाना चाहता था, और पिछले 2 दिनों से मैं सक्सेसफुली उठ पा रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ कि नहीं यार, मैंने कुछ अचीव किया हुआ है। इट फील्स गुड, आई फील ग्रेटफुल, दिस लाइफ इज़ गुड। तो पिछले 10 मिनट से मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, नेचर को भी एडमायर किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा पीसफुल फील कर रहा हूँ। तो अभी बारी है रूम पे जाके टास्क नंबर 3 को कंप्लीट करने की। तो अपने हर एक दिन में और भी ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए कुछ ऐसे हैक्स थे जो मैंने इंस्टाग्राम से सीखे हुए हैं, वही आपको सिखाऊंगा। तो देखो ये मेरे आज के टास्क हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं। देखो तुम्हें क्या करना है, अपने दिन के टास्क लिखते वक्त हमेशा अपने चिट नोट के ऊपर या फिर अपनी कॉपी के ऊपर ना 2 सेक्शंस बनाने हैं। पहला हो गया टास्क का और दूसरा हो गया प्रायोरिटी का। अब जैसे ये मेरे 5 टास्क
टास्क है। अब ना मैंने इन सबको क्या किया हुआ है, प्रायोरिटी बेसिस पे नंबर दिए हूँ और मेरे पूरे दिन के अंदर मुझे ये चीज़ रहेगी कि हाँ पहले प्रायोरिटी वाला टास्क कौन सा है और मैं उसको पहले ही कंप्लीट करूँगा। इस तरीके से अगर तुम करोगे ना तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेली टास्क से अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हो। इसको चिपकाएंगे यहाँ पर और कल वाले देख सकते हो कंप्लीट किए थे। लेट्स गो। एक सलाह देना चाहता हूँ, कॉलेज में ना बच्चों दोस्तों के साथ ना कुछ ऐसे दोस्त भी रखना जिनकी थोड़ी अच्छी आदतें हों, जैसे जो जिम जाते हो, अच्छा खाना खाते हो या फिर सुबह जल्दी उठ जाते हो। अब इस मामले में मैं करुण भाई से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सुबह सुबह उठ के एक और लड़के के साथ दौड़ने जाया करते हैं। हाँ वो अलग बात है कि पेट कम नहीं हो रहा है, लेकिन दौड़ने जाया करते हैं। खाना खा के क्या हो गया? तो अभी एग्जैक्टली 2 बजे हुए हैं, लंच की टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है। अब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इसलिए मैंने करुण और आयुष को बोला हुआ है कि आते वक्त मेरे लिए एक ब्रेड लेते आना। तो आई एम गोना मेक सम पीनट बटर सैंडविचेस, एक लस्सी पीऊँगा साथ में, देन आई एम गोना कम्प्लीट माई थर्ड टास्क जो कि है एडिटिंग ऑफ माई नेक्स्ट व्लॉग। तो सैंडविचेस आ गए हैं, लस्सी आ गई है, पीनट बटर पड़ा हुआ है, एंजॉय करते हैं। तो इसी के साथ हमारी हुई डे 2 की समाप्ति। और जैसे हमारे निब्बों के दिल निब्बियां चुरा के ले जाती है ना, उस दिन मेरी नींद भी कोई चुरा के ले गया था। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:20, तो मुझे भूख लगी हुई थी, तो अभी मैं कमरे में नहीं जाऊंगा, यहीं पर बैठ के यहाँ पर एंजॉय करूँगा, थोड़ा अकेले बैठूँगा, गाने वगैरह सुनूँगा क्योंकि कमरे में गर्मी है, यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है। सो आई एम गोना एंजॉय हियर ऑल अलोन। तो टास्क 1 हो चुका है कंप्लीट जो कि था नहाना, तो अब है टास्क 2 की बारी जो है मेडिटेट करना। ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ मेडिटेशन के बारे में और ख़ुद के रिलेटेड, कि जैसे जो मेडिटेशन होती है ना वो बहुत तरीके की होती है, और जिस मेडिटेशन को मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी के टाइम पे वो है मंत्र मेडिटेशन। अब मंत्र मेडिटेशन क्या होती है? वो मेडिटेशन जहाँ हम मंत्रास का यूज़ करते हैं। अब हिंदू स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे ऐसे मंत्रास हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपने मेडिटेशन के दौरान, जो हमें डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। और राइट नाउ मैं अभी अपने मेडिटेशन के बिल्कुल बिगिनर वाले फेज में हूँ, जहाँ मैं उस एक स्पेसिफिक मंत्र को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ के साथ रेजोनेट करे। अब पिछले 2 वीडियोस में जो वहाँ पर बेसिकली 2 मंत्रास का मैंने यूज़ किया था, एक गायत्री मंत्र और एक महामृत्युंजय मंत्र, लेकिन आज ऑन दिस थर्ड डे ऑफ मेडिटेशन मैं एक डिफरेंट मंत्र का यूज़ करूँगा जो श्री कृष्ण से रिलेटेड है। और वो मंत्र कुछ ऐसा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और अगर मेरे डे 3 ऑफ मेडिटेशन के पूरे वीडियो को देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे पता नहीं है कि कितना टाइम हुआ है मेरे को मेडिटेट करते हुए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैंने 108 टाइम्स इस मंत्र को रिसाइट ज़रूर किया, लेकिन आज 3rd दिन पे मेरे को थोड़े से चेंजेस लग रहे हैं कि मेरे को उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अगर मैं चाहता तो मैं इसको और भी एक्सटेंड कर सकता था। तो मैं वही चीज़ कहूँगा कि अगर तुम्हें ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, अगर तुम्हें मेडिटेशन के बाद का एक्सपीरियंस क्या होता है वो तुम्हें एक्सपीरियंस करना है, तो तुम्हें खुद इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ना, ये शायद से आप लेट देख रहे होंगे और मैं अभी तक घर चला गया हूँगा। आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, 31st of May है आज, और आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है वो भी भगवद गीता का, और इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। मैंने करुण आयुष और गर्वित ने डिस्कशन किया था इसके ऊपर, वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 मिनट के लिए, ये 3 हो गए 4 मिनट के लिए। तो एज यू कैन सी टाइम हो रहा है 6:04, टास्क 1 हो चुका है कम्प्लीट और इसको अब करेंगे यहाँ से कट। अब भगवद गीता के लिए मैं लिख सकता हूँ ऐसी बात, अगर मैं बिना पढ़े भी जाऊँगा ना, बिना नोट्स बनाए भी जाऊँगा ना, तो मैं पास कर लूँगा उस एग्ज़ाम को, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में बहुत स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है। लेट्स एग्जांपल, अगर जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन अबाउट द 16 sacraments और ये आया था सेशनल 1 में, तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि एक बच्चे के पैदा होने से पहले तक और उसकी डेथ तक क्या ऐसे रिचुअल्स किए जाएंगे जो उसकी लाइफ में ज़रूरी है, जो उसको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो इसके बारे में खुद से तो लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर नॉलेज होगी, थोड़े से फैक्ट्स पता होंगे, तो थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलो अभी नोट्स बनाते हैं। तो 20 मिनट लगे नोट्स बनाने के लिए, नोट्स बन चुके हैं भगवद गीता के, ये सब चीज़ें याद करेंगे तो पास हो जाएंगे, इसको आगे एग्जैजरेट करके लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। सो अभी एग्जामिनेशन सेंटर में आ चुके हैं और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, और इतना लिखेंगे ना आज, भगवद गीता के अंदर महाभारत लिखूँगा मैं आज।
सो यस आई एम डन विद माई एग्जाम. एग्जाम वॉज प्रिटी गुड. सो अभी जाएंगे और रिलैक्स करेंगे. तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर ज़्यादा ही अच्छा आया तो किसी आप अपने एक दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते हो. टिल देन आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.